हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। हम आ चुके हैं लोधी फोर्ट में और ये लुधियाने के सेंटर में। बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता। मैं अपने घर वालों से भी पूछा था, उनको नहीं पता था इस प्लेस के बारे में। ये हमारे घंटा घर के पास है, लुधियाने के सेंटर में है बिल्कुल। आप देख सकते हैं ये यहाँ का मेन एंट्रेंस है। देख सकते हैं ये मेन एंट्रेंस है। इनकी दीवारें, आप दीवारों से पता लग सकता है कि ये कितना पुराना होगा। ये कम से कम 500 साल पुराना है। और ये देख सकते हैं इसका गेट देख सकते हैं। आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि राजा महाराजा के जो महल होते थे उनके इतने बड़े बड़े गेट हुआ करते थे। तो ये देख सकते हैं इसका ये दरवाज़ा है छोटा सा। और ये देखिए लोहा देख सकते हैं, जंजीरें देख सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, कम से कम 500 साल पुरानी है ये। और गाइस यहाँ पे एक ऐसा सुरंग है जो यहाँ से लेके फ्लोर तक निकलता है, यहाँ का सुरंग। और ये दीवारें देख सकते हैं, दीवारों से पता है। और यहाँ पे थोड़ा बिजली का भी काम हुआ पड़ा है। ये शायद जब अंग्रेज के टाइम में हुआ होगा तो यहाँ पे बिजली का काम हुआ होगा। और ये पूरा जंगली एरिया है, पुरानी बिल्डिंगें हैं। उधर ITI कॉलेज है। और यहाँ पे सरदार जी मिले थे, उन्होंने बताया था कि यहाँ पे खोवाजी बहुत होती है। अगर आप दिन में आते हैं, दिन में भी आपको सावधान रहना पड़ता है, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। रात में तो गैस बिल्कुल मत आइएगा यहाँ पे। यहाँ पे पुलिस वाले आते हैं जाते हैं, कोई भी चीज़ आपके साथ हो सकती है। ये मेरा भाई अनिल, भाई अनिल व्लॉग्स इनका यूट्यूब चैनल है, लॉस्ट विद अनिल। लॉस्ट विद अनिल। हाँ जी, मैं इनका लिंक नीचे दे दूंगा, इनको सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। वो सरकारी इमारत है, बहुत साल पहले बनी थी, फिलहाल तो बंद होगा, यूज़ में नहीं है। वहाँ पे कपड़ा रंग करने का फैक्ट्री हुआ करता था, वो भी बंद हो चुका था। बहुत ही खतरनाक रास्ता है गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे जानवर वगैरह, सांप वगैरह बहुत कुछ देखने को मिल सकते हैं। खतरनाक रास्ता है, यहाँ पे कोई आ नहीं रहा इस करके। रास्ता बना रहे हैं अपने लिए, थोड़ा देख के हैं। ठीक है, पीछे वाले वो देखो जी। तो गाइस फाइनली हमें पता नहीं, अगर ये भाई हमारे पास नहीं आते हमें पता ही नहीं लगता हम जाएंगे कैसे। देख सकते हैं सुरंग जड़ी फ्लोर नु निकल दिया सीधा, इथो अंदरों अंदर हमला कर देंगे। हां जी, तेरे विच कंदे बरात भी गई थी। अच्छा, बरातियां नु लेके ते मुड़ के पहुंची नहीं, वो पीछे रह गई मेरे ख्याल। पीछे मारते केड़े बराती वीरे? बराती आ लोधी से गए होने जड़े। अच्छा जी, है एकदम थल्ले तक देखो सुरंग है की है, बाकी आगे शायद बंद हो गई होवे। ਅੱਲੇ ਗੇਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਲੋਹੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਗੇਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਗਏ ਹੋ ਥੱਲੇ? ਤੂੰ ਗਾਇਸ, ਇਹਨਾਂ ਕਾ ਅੰਦਰ ਲੋਹੇ ਕਾ ਗੇਟ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਧਰੋਂ ਵੀਊ ਲੈ ਲਓ ਥੋੜਾ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਅੱਧਰ ਜੋ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪੂਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਯਹਾਂ ਸੇ ਦਿਖ ਰਹਾ ਹੈ ਗਾਇਸ, ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈਂ ਕਿਤਨਾ ਔਸਮ ਹੈ। सब नजायज कब्जे हैं, देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया है। और सारे पीछे वाले घर जड़े बने हैं, सारे ये तो जड़ जड़े भी हैं, सारे नजायज कब्जे वाले घर हैं। किला बहुत दूर तक हुआ करता था, लेकिन लोगों ने जगह किला का रख लिया अपने पास और वहाँ पे कब्जा कर लिया। तो देखो ये मेन घंटा घर ये है ना, ये सारा नजायज कब्जे। चांद सिनेमा देखा तुम्हें? चांद सिनेमा तक हुंदा से किला, अब पुल ते पुल जड़ा जा रहा। अच्छा, ये सारा किले का हिस्सा सीगा? किले का हिस्सा सी, लोगों ने दब दब के मतलब जगह खत्म कर दी। गुम्बज सीगे, गुम्बज जड़े 7 गुम्बज बने हुए। अच्छा, हुण अद्धे गुम्बज जड़े टह गए आ, लोगों ने कब्जा कर लिया। तो गाइस देख सकते हैं आप, चांद सिनेमा तक सीगा, यहाँ चांद सिनेमा तक इस किले का एरिया था, लेकिन लोगों ने कब्जा करके रख लिया अपने पास। और बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है गाइस यहाँ से, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है, देख सकते हैं हम दूर दूर तक, देख सकते हैं यहाँ से दूर दूर तक देख सकते हैं गाइस। ये देखिए ये छोटा सा रास्ता ये हुआ है यहाँ से जाने का। जगह देख सकते हैं कितना डूंगा है यहाँ पे। तो गाइस देख सकते हैं रास्ता बहुत ही अजीब सा है और यहाँ पे चोट वगैरह लग सकती है, तो ध्यान से अगर आप आए तो आएंगे। ये सरकारी लैब थी जो अब
बंद हो चुकी है। देख सकते हैं ऊपर जाने का रास्ता यहाँ से है। आयो कुत्ते, देख सकते हैं गाइस यहाँ से पूरा लुधियाना दिखता है, हमारा पूरा का पूरा लुधियाना दिखता है। वो रेसिंग ग्राउंड है, वहाँ पे झूले लगे हैं। दशहरा में हम जाएंगे तो आप वीडियो बनाऊंगा जरूर आप सबके लिए। तो सीढ़ियाँ चल के बहुत थक चुका हूँ मैं। देख सकते हैं यहाँ से पूरा लुधियाना दिखता है। तो देख सकते हैं गाइस पूरा का पूरा ये एरिया जंगल सा लग रहा है, क्योंकि ये लुधियाना के बीच में है यहाँ पे, लेकिन लोग यहाँ पे आते नहीं हैं क्योंकि बहुत लोगों को इस जगह के बारे में बिल्कुल नहीं पता। ये यहाँ से सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर, यहीं से हम आए हैं। ये दरवाज़ा देख सकते हो पूरा खुला है। अगर आप कभी भी यहाँ पर आए तो ध्यान से आए, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। और बाकी देख सकते हैं यहाँ पे चांद होटल है, वहाँ तक का इसका एरिया हुआ करता था, लेकिन लोगों ने यहाँ पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। ये सारी सरकारी ज़मीनें हैं। और सामने देख सकते हैं दृष्टि ग्राउंड है, सामने मंदिर है, और ये पूरा एकदम एक नंबर व्यू आ रहा है यहाँ से। ये हमारे अनिल भाई बैठे हैं वीडियो बना रहे हैं, और पूरा मतलब पूरा यहाँ गए सुनसान एरिया। वो भाई थे वहाँ पे, वो आए थे हमें बताने के लिए, जब ये अंदर चले गए उन्होंने हमें यहाँ का सारा बताया। सानू नशा है ब्लॉगिंग दा, सानू नशा है फोटोग्राफरी दा, ते ऐसे चक्कर दे विच असीं इत्थे प्लेस दे घुमणा आए, पर हुण सारा एक्सप्लोर कराउंदे आ। तो गाइस उधर हम जा चुके हैं, वहाँ पे आपको दिखाया मैंने कि गुफा है जो फ्लोर तक जाती है, और हम चल रहे हैं इधर। बस देख सकते हैं ये सरकारी बिल्डिंग है, यहाँ पे कम से कम 50 साल पहले यहाँ पे कपड़े रंग करने की फैक्ट्री हुआ करती थी। और देख सकते हैं यहाँ पे कार पड़ी हुई है, बिल्कुल कार की कंडीशन देख सकते हो, ढांचा पड़ा हुआ है बस कार का। और ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पुरानी है, ये देख सकते हैं बिल्डिंग को आप। इस ये एरिया बिल्कुल सुनसान है, मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको यहाँ पे आना हो तो दिन में आए, और दिन में भी सावधानी रखें, नहीं तो आपके साथ लूटबाजी हो सकती है। तो यहाँ पे सरदार जी ने हमें कहा था कि अब नशेड़े भी बहुत होते हैं, और ध्यान रखिएगा नशेड़ियों से। आप आए अकेले मत आए, कम से कम 2-3-4 जने होने चाहिए आप, तभी आप यहाँ पे आए। हमारे लुधियाने के बीच में भी एक ऐसी एरिया है जहाँ पे बहुत कुछ किया जा सकता है, और यहाँ पे अच्छी वीडियो भी बना सकते हैं हम, इंस्टा रील सब कुछ बना सकते हैं हम। और सरकार को इस जगह पे थोड़ा ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं पूरा घास है, यहाँ पे सफाई नहीं की हुई। अगर यहाँ पे सफाई होती है तो यहाँ पे और लोग आएंगे घूमने के लिए, एक ये टूरिस्ट प्लेस बन सकता है, और लोग घूमने आएंगे तो उनका पैसा भी देंगे जिससे सरकार को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस यही बोलना चाहता हूँ, जब भी आप आए 3-4 जने आए, अकेले मत आए, ये एरिया अच्छा नहीं है। और हम जा रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे सिगरेट की बहुत बदबू आ रही है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे नशेड़ी मुंडे लोग आते हैं ना यहाँ पे,
सिगरेट वगैरह पीते हैं। देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा, ये भी पुरानी बिल्डिंग है, देख सकते हैं ये वही है जहाँ पे राजगद्दी लगी होती थी राजा महाराजा की, और सेनापति मंत्री सब बैठे होते थे। ये बिल्कुल सेम वही है, वही बिल्डिंग है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है। आई थिंक शायद सेना इधर बहंदी बनी है, तो इधर नाल ही तू काम कर। सेना इधर बहंदी बनी नाल ही इधर भज के ऊपर पौड़ी चढ़ने वास्ते। ए पौड़ी देख सकते हैं, पौड़ी है इधर तो चढ़ जाना। हां बंदा नहीं चढ़ पांदा सी, लेकिन जेड़े प्रैक्टिस वाले बंदे सी वो चढ़ जांदे सी। हां हां देखो सीधा फड़ के सफाई होती होगी। अभी तो पेड़ पौधे बहुत सारी चीज है, ये स्कूल लगता है भैया, ये स्कूल था पहले। अच्छा जो स्कूल भी बंद हो गया फिर। ओके जी, गुप्त पौड़ियां बनी आई ने। नशा वगैरह बहुत जैसा कि भाई ने कहा, यहाँ पे लोग बहुत नशा करते हैं, और ये सीढ़ी बहुत पुरानी बनी हुई है। यहाँ से देख सकते हैं ना, चोट लग सकती है सिर में, इसलिए यहाँ से देख सकते हैं। ये छत है और यहाँ पूरा जंगल ही जंगल है, यहाँ पे सफाई बिल्कुल नहीं होती है। और हम छत पे आए हुए हैं, जब लड़ाई होती थी तो यहाँ पे सैनिक खड़े जाते थे तलवार वगैरह लेके, बंदूक के तोप यहीं से चलाया करते थे फ्लोर तक। और हम नीचे जा रहे हैं गाइस, तो भाई जैसा कि भाई ने कहा, यहाँ पे आज तक 10 जने मर चुके हैं नशे की वजह से, और क्या पता 10 से ज़्यादा मरे हों, या हमें कुछ कह नहीं सकते। तो गाइस कितना पसीना आ रहा है मुझे, एक हाथ में हेलमेट है और दूसरे हाथ से कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ। और बस गाइस यही है इस जगह की,